स्किप करेंगे टेक्स्ट टू रिमेंबर इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट का थर्ड पार्ट है 1898 से 1904 का करेंगे 1897 तक सेकंड पार्ट तक हो गया है ठीक है। ट्रिक्स बहुत इजी होगी आराम से आपको याद हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। 1898 जब मद्रास का शासन था ए एम बोस बने थे। 1899 लखनऊ का शासन था रमेश चंद्र दत्त बने थे। 1900 लाहौर का शासन था एन जी चंदावरकर बने थे। 1901 कलकत्ता का शासन था दिन सौ ई वाचा बने थे। 1902 अहमदाबाद का शासन था सुरेंद्रनाथ बनर्जी बने थे। 1903 मद्रास का शासन था लाल मोहन घोष बने थे। 1904 बॉम्बे का शासन था हेनरी कॉटन बने थे ठीक है। तो हम ट्रिक्स कैसे करेंगे, हम ए एम बोस को बोलेंगे ए एम बोस ही बोलेंगे, रमेश चंद्र दत्त को रोमेश बोलेंगे। और एक बात ध्यान रखना इंग्लिश में रोमेश लिखा होता है और हिंदी में रमेश चंद्र दत्त लिखा होता है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। एन जी चंदावरकर को चांद बोलेंगे, दिनसा ही वाचा को दिन बोलेंगे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को सुरेंद्रनाथ बोलेंगे, लाल मोहन घोष को लाल बोलेंगे, हेनरी कॉटन को हेनरी बोलेंगे ठीक है दोस्तों। तो ये रहे हमारे ट्रिक्स, आपको ऊपर नाम नहीं दिखेंगे मैं नाम बता दूँ आपको इसके। तो ये हैं ए एम बोस जी, ये रोमेश चंद्र दत्त हैं, ये आपके हैं एन जी चंदावरकर, ये है दिनसा वाचा, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये लाल मोहन घोष, ये हेनरी कॉटन ठीक है। तो हमारी ट्रिक्स क्या है, हमारी ट्रिक्स ये है कि ए एम बोस जब रमेश चंद्र दत्त से मिलने गए, ए एम बोस जब रमेश से मिलने गए तो रमेश बोला मुझे परमानेंट रेंट रेवेन्यू चाहिए, वरना मैं चांद पर दिन में सुरेंद्रनाथ और लाल के साथ मिलकर हेनरी को शिकायत कर दूंगा ठीक है। अब ये परमानेंट रेंट रेवेन्यू क्या है, तो रमेश चंद्र जी के सेशन का समय ये परमानेंट रेंट रेवेन्यू सिस्टम लिया गया था ठीक है ना। तो ए एम बोस जब रमेश से मिलने गए तो रमेश बोला मुझे परमानेंट रेंट रेवेन्यू चाहिए, वरना मैं चांद पर दिन में सुरेंद्रनाथ और लाल के साथ मिलकर हेनरी को शिकायत कर दूंगा ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी ट्रिक्स थी, ट्रिक्स बहुत ईजी, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि स्टोरी टाइप में, और इसके तीन चार पार्ट और आएंगे फिर हमारा सारा प्रेसिडेंट खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक ट्रिक्स में सारे प्रेसिडेंट को कंप्लीट करना बहुत डिफिकल्ट है, तो इसलिए हमने 8-9 पार्ट बनाए इसके। आशा करता हूँ सब आपको समझ आएगा। धन्यवाद।